अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। तो मेरा नाम है मोजम्बिक और आपका स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो 4.17 वाला थ्योरम आता है इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ डब्ल्यू बी अ सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन पार्ट वन आ जाता है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सबस्पेस। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इस पार्ट को करते हैं, इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसको फिर डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह के मैंने इसकी स्टूडेंट्स स्टेटमेंट आपको बताया कि इफ डब्ल्यू बी अ सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, उसमें फाइनाइट डायमेंशन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इस पर आपने नोट करना है। तो ये स्टूडेंट्स डायमेंशन से रिलेटेड थ्योरम है। तो डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन के पीछे आ जाती है बेसिस, और बेसिस क्या होती हैं उनके उसके बैकग्राउंड में आ जाता है स्पैनिंग सेट और लीनियर इंडिपेंडेंस। तो ये सारी जो मैंने बातें हैं ये इन पर सारे टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड की हुई हैं, तो उनको भी स्टूडेंट्स अगर आपने नहीं देखा तो उनको देख लें। तो अभी हम करते हैं इसका पहला नंबर। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? इसका जो पार्ट वन आ जाता है उसमें हमने क्या फाइंड करना है कि डायमेंशन ऑफ सबस्पेस इज लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से भी अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसके जो नोट्स होंगे वो मैं इस वीडियो के एंड पर ऐड कर दूंगा, तो उधर से आपने इनको नोट कर लेना और देख लेना स्टूडेंट्स। तो क्या है कि हमें स्टेटमेंट क्या दी गई है, इफ डब्ल्यू बी या सब स्पेस, क्या कि डब्ल्यू सब स्पेस है, ठीक है, ये क्या है सब स्पेस है नॉट सबसेट। सब स्पेस किसका है? अब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यही ऐसा वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन जो है वो फाइनाइट है, यानी जिसके नंबर ऑफ बेसिस जो है वो फाइनाइट है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए? ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए हम कोई इस तरह कहते हैं कि इसकी डायमेंशन कोई एन होगी, कोई नेचुरल नंबर एन होगा, ठीक है। तो हमने शो करना है कि स्टूडेंट्स ये वाला ये चीज हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इफ सिंस डब्ल्यू बी आर सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, सो इट्स डायमेंशन विल आल्सो बी फाइनाइट। यानी इस तरह आप कह लें कि इफ सिंस वेक्टर स्पेस इज अ फाइनाइट डायमेंशन is of finite dimension, so its subspace will also be of finite dimensional। यानी जिस तरह हम कहते हैं कि कोई सेट है, ठीक है, यानी कोई सेट अगर फाइनाइट हो, अगर कोई सेट है, ये कोई सेट है, ये क्या है फाइनाइट, इसका स्टूडेंट्स फिर जो सबसेट होगा वो भी फाइनाइट होगा, इसका जो सबसेट होगा वो विल ऑल्सो भी फाइनाइट होगा, ठीक है। यानी अगर कोई सेट ये है ये फाइनाइट है तो इसका जो सबसेट होगा वो भी फाइनाइट होगा, वो इसका सबसेट है। तो इस तरह से भी हमारे पास स्पेस है, ठीक है, वेक्टर स्पेस है, तो उसका जो सबस्पेस होता है वो भी फाइनाइट होता है। तो इसको हमने एक सेंटेंस लिख देना है। तो फिर हम कहेंगे कि अगर जो सबस्पेस हमने लिया ये फाइनाइट है तो फाइनाइट डायमेंशनल होगा, तो उसकी हम डायमेंशन ऐड कर लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ सबस्पेस इज इक्वल टू एम के, और डायमेंशन इज इक्वल टू एम के होने का क्या मतलब है? इसके जो नंबर ऑफ बेसिस है वो एम है, तो इसके लिए हम जो है सपोज कर लेते हैं, सपोज एस इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अप टू सो वन डब्ल्यू एम बी अ बेसिस, ये क्या है बेसिस है फॉर द सब स्पेस दिस, फॉर द सब स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कहेंगे कि जो है ना ये जो बेसिस है ये आइदर एस इज आल्सो बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस, ठीक है, ये भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हमारे पास इधर आ जाते हैं कि ये भी हो सकता है कि ये जो बेसिस आएंगे ये इज आल्सो बेसिस बन जाए किसकी वेक्टर स्पेस की हो, ठीक है, उस वेक्टर स्पेस की भी हो सकती है और नहीं भी, तो इसलिए हम दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे। तो अगर ये दिस सेट इज आल्सो बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस तो देन क्या होगा स्टूडेंट्स? डायमेंशन ऑफ जो वेक्टर स्पेस होगा वो भी आल्सो भी होगा एम के, और एम ये किसके इक्वल है इसके डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। तो अगर स्टूडेंट्स ये जो बेसिस है ये अगर वेक्टर स्पेस की भी बेसिस हो तो फिर हमारे पास ये एक पॉसिबिलिटी आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर दिस सेट एस इज नॉट आल्सो बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स?
फिर चूंकि ये सबस्पेस है, सबस्पेस की बेसिस है, उसके वेक्टर स्पेस की बेसिस ना होंगे, इसका मतलब इसमें वेक्टर्स कम होंगे, तो सिंस एक्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सो इट कैन बी इनलार्ज टू द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो हमने जो इससे पहले वाला जो थ्योरम स्टूडेंट से डिस्कस किया है ना 3.16 वाले, सॉरी 4.16, तो उनको भी आप देखें, उसमें हमारे पास था एक पार्ट में कि अगर एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट सो इट कैन बी इनलार्ज टू द बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट वेक्टर्स। और इस तरह से हमें दिया गया स्टूडेंट सर, इफ एस स्पैन्स द वेक्टर स्पेस सो इट कैन बी मेड बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस इफ बाय रिमूविंग द अप्रोप्रिएट वेक्टर्स। उसने क्या था, हम वेक्टर्स को अगर स्पैन करता है तो उसको बेसिस बनाने के लिए हम उसमें से वेक्टर को रिमूव करते हैं, और अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है ठीक है तो उसको हम उसको बेसिस बनाना है तो उसके लिए हम वेक्टर्स ऐड करते हैं। तो उन थ्योरम को भी स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इधर से भी हम स्टूडेंट से कह रहे हैं कि ये जो बेसिस है सब स्पेस की ठीक है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है बेसिस है, तो बेसिस के पीछे क्या दो डेफिनेशन आ जाती है लीनियर इंडिपेंडेंट की और स्पैन की ठीक है। तो ये जो सेट है ये स्पैन करता है इस डब्ल्यू को और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो अगर इसमें से ये दिस सेट एस इज नॉट बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस देन सिंस एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट सो इट कैन बी इनलार्ज टू द बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स के डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जो होगा वो ग्रेटर होगा इस एम से ठीक है, इसलिए तो हम इसमें जो है ना वेक्टर्स ऐड करेंगे और उसको हम बेसिस बनाएंगे इस वेक्टर स्पेस के लिए। तो एम किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, इसके। तो इसे इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस है ये ग्रेटर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ दिस। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन स्टूडेंट्स और फ्रॉम अबव इक्वेशन इस इन दोनों इक्वेशन से हम क्या सेटिस्फाई करते हैं, हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, ये वाला कि जो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वो इक्वल भी हो सकती है और वो ग्रेटर भी हो सकती है इस डायमेंशन ऑफ सब स्पेस से। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कोई फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस हो तो उसके लिए डायमेंशन जो होती हैं वेक्टर स्पेस की वो ग्रेटर और इक्वल होती हैं सब स्पेस की डायमेंशन से। तो ये हमने स्टूडेंट से प्रूव किया। इसके बाद हम एक जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको जल्दी से करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसका स्टूडेंट जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारे पास वो क्या है कि अगर हमारे पास अगर सब स्पेस और वेक्टर स्पेस दोनों इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ सब स्पेस वो इक्वल हो जाएगी डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के, यानी अगर अगर सब स्पेस और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन इक्वल है तो फिर वो जो वो स्पेस होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, और अगर स्पेस इक्वल है तो फिर उनकी डायमेंशन भी इक्वल होंगी स्टूडेंट्स। तो इसको हम प्रूव करते हैं, पहले इसको हम जो है एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिए कोई वेक्टर स्पेस है, ये कोई वेक्टर स्पेस है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम मानते हैं कि जो डब्ल्यू सब स्पेस और वेक्टर स्पेस दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर ही आएगा सब स्पेस भी ठीक है, इसके ऊपर ही आ गया सब स्पेस। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट सब स्पेस। तो इधर हम जो बेसिस डिफाइन करेंगे ना सब स्पेस के लिए, जो बेसिस का सेट अगर डिफाइन करेंगे बेसिस जो इस सब स्पेस के लिए बेसिस डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगी, इज ऑल्सो बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस बिकॉज दीज आर इक्वल। इसमें थोड़ा सा बस ये इंग्लिश लिखनी है सिंस अच्छा लेट अगर हम ये सपोज करते हैं कि w और v इक्वल है देन वी हैव टू शो दैट देयर बेसिस आर इक्वल ठीक है, जैसे डायमेंशन ऑफ सब स्पेस और डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस है वो इक्वल है। तो डायमेंशन इक्वल होने का क्या मतलब है, क्योंकि नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर जो है वो इक्वल है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि इधर हम जो सो द बेसिस जो हम डिफाइन करेंगे ना सब स्पेस के लिए वो विल ऑल्सो भी बेसिस होगी वेक्टर स्पेस के लिए बिकॉज दे आर इक्वल। तो इधर से हम देख सकते हैं ठीक है इक्वल एरिया इनका, तो इसके लिए जो भी हम बेसिस डिफाइन करेंगे तो वो वेक्टर स्पेस के लिए भी बेसिस बनाएंगे। तो अगर हम इसका स्टूडेंट से कन्वर्स वाला पार्ट करते हैं ठीक है, अगर हम ये मानते हैं सपोज डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस और डायमेंशन ऑफ सब स्पेस इक्वल है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जो है ये दोनों इक्वल है, देन वी हैव टू शो दैट
subspace and vector space are equal. तो उसके लिए equal prove करने के लिए हम students से क्या करेंगे, उनके जो है वो basis set show करेंगे कि ये दोनों equal होते हैं, ठीक है। अगर dimension equal तो फिर उनके number of bases जो होंगे वो भी equal होंगे। तो ये हमने थोड़ा इधर इनको discuss करना है। तो अगर हम students से subspace के लिए basis define करते हैं, ठीक है, basis define कर लेते हैं W1, W2, और so on Wm। तो ये क्या होगा कि set S जो है basis है for the subspace। तो अगर स्टूडेंट्स दिस सेट इज नॉट आल्सो बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस, अगर ये जो सेट एस है अगर हम मानते हैं कि ये जो है ना बेसिस नहीं बनाता है वेक्टर स्पेस के लिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर हम कहेंगे कि सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो इट कैन बी इनलार्ज टू द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इनलार्ज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, हम इनलार्ज क्यों करें, तो इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ जो वेक्टर स्पेस है वो इक्वल है, सॉरी वो ग्रेटर है एम से, ठीक है। ये एम की सॉरी एम जो है ना एम कह लें या इधर आप कह लेंगे डायमेंशन ऑफ सब स्पेस से, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अगर दिस सेट इज नॉट आल्सो बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस देन दिस मींस दैट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ सब स्पेस व्हिच कंट्राडिक्ट्स आवर हाइपोथेसिस दैट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस आर इक्वल, ठीक है। तो हमने ये किया इधर से आगे कंट्राडिक्शन, विच कंट्राडिक्ट्स, विच कंट्राडिक्ट्स आवर हाइपोथेसिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे हाइपोथेसिस को जो है कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो एस होगा वो इज आल्सो बेसिस होगा फॉर इज आल्सो बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस, ओके स्टूडेंट्स। ये हमने इसका प्रूफ कर लिया, इसको हमने इसका जो दूसरा पार्ट था उसको इधर से भी अंडरस्टैंड किया। अगर हमने वेक्टर स्पेस और सब स्पेस को इक्वल माना, ठीक है, तो फिर ये वाला इक्वल इंजन नंबर आया, तो उससे हम जो सेट बेसिस डिफाइन करेंगे सब स्पेस के लिए वो इज आल्सो बेसिस होंगी फॉर द वेक्टर स्पेस। और इसके रिवर्स वाले पार्ट में हमने स्टूडेंट माना कि अगर डायमेंशन दोनों इक्वल हो तो फिर हमने ये शो करना था कि वो सब स्पेस और वेक्टर स्पेस है वो दोनों इक्वल होंगे। तो उसके लिए हमने जो है अगर इक्वल है डायमेंशन का मतलब इसके बेसिस सेट जो है बेसिस में एलिमेंट्स है, ठीक है, वो हमने मान ली कि एम है। इधर हमने एक बेसिस डिफाइन की, हमने कहा अगर दिस सेट एस इज नॉट आल्सो बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस देन सिंस एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट सो इट कैन बी इन लार्ज टू द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस बट दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ सब स्पेस दिस इज कंट्राडिक्शन मीन्स दिस विच कंट्राडिक्ट्स आवर हाइपोथेसिस दैट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ सब स्पेस आर इक्वल, ठीक है। तो हमने अगर इसको बेसिस नहीं मानते तो फिर हमारे पास ये कंडीशन आती है, ठीक है, लेकिन ये हमारे ये कंट्राडिक्ट पैदा करती है क्योंकि हमें मानना है कि वो डायमेंशन जो है दोनों की इक्वल है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनका प्रूफ करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसकी जो स्टूडेंट्स इनके नोट्स की PDF होगी वो मैं वेक्टर स्पेस के तकरीबन हर लेक्चर के एंड पर ऐड करता हूँ, और जिसकी बाय मिस्टेक मिस हो जाती है तो वो मैं अलहदा से वेक्टर स्पेस की जो प्लेलिस्ट होती है उसमें ऐड करता हूँ। तो स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।